यूपी के मुरादाबाद में बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया तो पटना तक सियासत गर्मा गई। तौकीर रजा ने पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से की। इस पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। जेडीयू ने भी मौलाना तौकीर के बयान की निंदा की तो आरजेडी कांग्रेस ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। ये बरेली के मौलाना तौकीर रजा हैं, मोदी विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिंदू राष्ट्र और अतीक गैंग पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बयानबाजी की है। यूपी के मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूँ, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूँ, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र है, उनसे ये सवाल करता हूँ कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहां ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं। तौकीर रजा के विवादित बयान से बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते भारत में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मौलाना तौकीर रजा और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए अब वो जाति धर्म का बीज बो रहे हैं। किसी धर्म किसी जाति के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सभी को संविधान के दायरे में अपना काम करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो पूरी तरह से कायम है। वहीं जेडीयू मौलाना तौकीर रजा के बयान का विरोध जता रही है, जबकि आरजेडी की दलील है कि बीजेपी की कार्यशैली देश की अखंडता और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए घातक है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री को राज्य की बदहाली दिखाई नहीं देती है। देश में कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, कुछ इस तरह के बयान देते हैं जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और इस बात का उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। हमारी पार्टी हमारे नेता नीतीश कुमार जी की आइडियोलॉजी इससे एकदम अलग। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देश की एकता और अखंडता और हिंदू मुस्लिम के लिए घातक है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और इस देश के अंदर में जो भी धर्मावलंबी है, हर धर्म के मानने वाले लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त है कि जो चाहे जिस धर्म को धारण कर सके। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की भूमिका उस राजा की तरह है जिस राजा को अपने राज्य का बदहाली दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों का विकास दिखाई देता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बरेली के मौलाना तौकीर पहली बार कोई विवादित बयान दिए हों। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। उपेंद्र कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा।